आईजी पंजाब ने कहा कि डीआईजी इस्लामाबाद इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट लेकर गए तो दूसरी तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया। मजीद फोर्स भेजी तो मुसल्ला जत्थों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, वाटर कैनन, पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों को चलाया गया। सीसीपीओ लाहौर पर पेट्रोल बम फेंका गया। डीआईजी इस्लामाबाद समेत 60 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जमान पार्क को नो गो एरिया बनाया जा रहा है। कल लाहौर हाईकोर्ट से इस्तदा करेंगे कि जमान पार्क में सर्च की इजाजत दी जाए। अदालत की हिदायत पर पीटीआई वालों से मुज़ाकरात करेंगे। डीआईजी साहब खुद लाहौर आए और उन्होंने एक जो नॉन बेलेबल वारंट था अदालत का, वो पेश करने के लिए पुलिस की मदद मांगी, जो कानूनन दी गई। जब वो वहाँ गए, उधर बातचीत शुरू हुई, इसी दौरान वहाँ से पथराव शुरू हो गया, जिससे वो डीआईजी साहब जख्मी भी हुए और पुलिस वाले भी जख्मी हुए। मजीद पुलिस फोर्स भेजी गई तो आगे से पहले से तैयार हुए हुए मुसल्ला जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए, रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पे पेट्रोल बम मारे गए। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलाह कैरी नहीं करेंगे। पुलिस ने वापसी आंसू गैस भी फेंकी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जहाँ पे बंदों ने ज़्यादा रजिस्ट किया, उधर गिरफ्तारियाँ भी की गई। CCPO साहब, DIG ऑपरेशंस, इनके ऊपर खुद के ऊपर पेट्रोल बम का हमला हुआ। SP हमारा शराजी, खातून होने के बावजूद उनके ऊपर बकायदा पथराव किया गया, उनको जख्मी किया गया। जख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज़्यादा है। ऐसा इलाका बन गया है वहाँ पे, या बनाए जाने की कोशिश हो रही है, जो कि नो गो एरिया है। जो वाकयात हुए उसकी FIR दर्ज कर ली गई है मुख्तलिफ दफात में। हाईकोर्ट में यही इस्तदा होगी और आज भी होगी कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हुक्म दिया जाए, हमें वहाँ सर्च करने की इजाज़त दी जाए।